अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जरा जा, महिला के पति को बुला। क्या भाई जी, भुवन का घर यही है क्या? हाँ भाई, परसू थी हो। मेरे मालिक को उनसे बात करनी है। पर वो तो अभी अस्पताल में है। तो कृपया करके उनकी पत्नी को बुला दीजिए। उनकी पत्नी? वो तो अरे वही जिन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। वो समझ गया। अब अभी लाता हूँ बुला के उनको मैं। मालिक आए हैं आपसे मिलने के लिए। कौन मालिक? वही जो भुवन भाई की जमीन खरीदना चाहते हैं। वही जिनके बेटे ने भुवन जी को इतना मारा, आप मुझे पैसों का लालच देके अपने बेटे को छुड़वाना चाहते हैं। अब बात जमीन की नहीं रही, न्याय की है। कह दो उनसे कि मैं बाहर आकर उनसे कोई बात नहीं करूंगी, अब थाने में ही बात होगी हमारी। देखिए, उनको कल रात को ही होश आ गया था। हाँ, उन्हें कोई आदमी मिलने आया था। उसकी भुवन के साथ कुछ बात हो गई और आज सवेरे वो उनको पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन? भुवन, देखो इन दोनों को, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने तुमको मारा? यही वो आदमी है। दरोगा साहब, ये और इसके आदमी मेरे घर पर आए। इन लोगों ने मेरे हाथ पैर बांध दिए और मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया ताकि मैं मदद के लिए चिल्ला ना सकूं। झूठ क्यों बोल रहे तू? झूठ बोल रहे हैं पापा। पर तेरी और मेरी मुलाकात तो खेत में हुई थी, तो कब आए मैं तेरे घर पे? दरोगा साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये दोनों मेरे घर पर आए थे। इसके आदमियों ने मुझे बैलगाड़ी में बिठाकर चौराहा पर जाकर फेंक दिया, जहां उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। दरोगा साहब, इसने तो मेरे कनपट्टी पर बंदूक तक रख दी थी। बस ये गोली चलाने ही वाला था कि गांव वाले आ गए। ये मेरी जमीन खरीदना चाहता था। मैंने अपनी जमीन नहीं बेची इसके लिए, ये मुझे मारना चाहते थे। खोटू बोले जे, तू झूठ मत बोल। तेरे बोलने का अर्थ क्या है? कि इसने तेरा जीव लेने का प्रयत्न किया ऐसा? उन्हें वो लागे छे कि ये मामले में सबसे बड़ा अपराधी तहसीलदार है। मैं अपने दिकरे की जमानत कराने आया था, किसी हत्यारे की नहीं। तने मेरा वकील किसी अपराधी की जमानत करेगा भी नहीं। तो मैं काम करो, इसके विरुद्ध जरा गंभीर केस दर्ज करो। मालिक, मालिक झूठ बोल रहा है। मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हर अपराधी यही बोलता है तहसीलदार। तू मेरे घर आया था या नहीं? नहीं आया था। तूने मुझे घर से निकलते वक्त मारने की धमकी दी थी या नहीं? अरे कौन सी धमकी, कैसी धमकी? तूने मेरे कनपट्टी पर बंदूक तानी थी या नहीं? अरे बंदूक, कैसी बंदूक? झूठ। तुम गोली चलाने वाले थे। अगर गांव वाले एक भी क्षण देर से आते तो वहां मेरी लाश पड़ी होती। तूने गोली उठाई थी तहसीलदार, मेरे सर पर तानी थी। तू गोली चलाने वाला था, तू मुझे मारने वाला था। मैंने कोई बंदूक नहीं उठाई, मेरे आदमी तुझे लाठी से मार रहे थे। बस 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 बस। सत्य बाहर आ भी गई, मुझे पहले से खबर थी, पर सत्य तेरे मुंह से उगलवाना चाहता था। बात तो मैंने अत्यारे खबर पड़ी गई थी,
जब कारागार में तूने खोटी खोटी कहानी सुनाई ने, तने केवी रीते खबर के लाठी से इसको मारा, जब तू डर था ही नहीं तो। मालिक माफ कर दो मालिक। मैंने माफ कर जो हितेन भाई, मेरी वजह से आपको कारागर जाना पड़ा। तू क्या माफी मांगे छे? गलती तो उस तहसीलदार की थी कि मेरे नाम का सहारा लेके तेरे से ऐसे मारपीट की थी उसने। जो भवन मैंने अपने दिकरे को भेजा था तेरी जमीन खरीदने, पर जो तुझे ना बेचनी हो ना, तो तुझ पर कोई दबाव नहीं हो। मालिक, अगर ये जमीन मेरी होती तो मैं बिना किसी मोल भाव के आपको दे देता, कारण कि तुम्हें वो भला मानस छो। खबर पड़ी मेरे को, आप जो भी करते हैं सबकी भलाई के लिए करते हैं, पर मालिक अब ये जमीन मेरी नहीं रही, ये जमीन मैं किसी औरत को। भुवन जी, आप अस्पताल से यहाँ क्यों चले? डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी आदमी ने आपको यहाँ लाया, कौन है वो? ये मालिक लाए थे मुझे यहाँ पर, बहुत ही भले इंसान है। बंधन में टूट गया, अब कोई अधिकार नहीं है मेरा। संतु, ये धर्मपुर के मालिक हैं, धर्मराज माहिया वंशी, यही वो जमीन खरीदना चाहते हैं। इन्होंने उस गलीच तहसीलदार को दंड भी दिलवाया, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी मेरे इलाज का खर्चा दिया। पहली बार देखे ऐसे धनी सेठ जो हम किसानों की समस्या को समझते हैं। इन्होंने तो संतु, तुम सुन रही हो ना, मैंने बता दिया है मालिक को कि इस जमीन की मालकिन तुम हो। अब तुम ही बता दो, तुम्हें अपनी जमीन बेचनी है या नहीं। मालिक, आप खुद ही बात कर लीजिए ना जमीन की मालकिन से। संतो, तुम खुद ही निर्णय ले लो। धरती किसान की माँ होती और माँ बिकाऊ नहीं होती। मुझे नहीं बेचनी अपनी धरती, जिसके बल पर आज मैं खड़ी हूँ, वो आधार में नहीं बेचना चाहती। केदार भाई, बैलगाड़ी निकालो, घर चलते, सब राह देख रहे होंगे। मालिक, मैंने माफ करी दे जो, वो ये जमीन नहीं बेचना चाहती और मैं उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डालूंगा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।